इमाम अली अलैहिस्सलाम अपने चंद अकीदतमंदों के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। चलते चलते आप कब्रिस्तान तक आ पहुंचे और इतनी देर में सफर का महीना अख्ताम होने लगा और आसमान पे रब्बुल अव्वल का चांद जाहिर हो गया। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही रब्बुल अव्वल के चांद को देखा, फिर तमाम कब्रों की तरफ इशारा किया और फरमाने लगे, ऐ लोगो, याद रखना वो लोग जो मर चुके हैं, जब आसमान पे रब्बुल अव्वल का चांद देखते हैं तो अल्लाह की दरबार में फरियाद बुलंद करते हैं कि ऐ अल्लाह, काश इसकी अहमियत से हम जिंदगी में वाकिफ होते। तो किसी ने पूछा, या अली, रब्बुल अव्वल की चांद की क्या अहमियत है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, अल्लाह ने इंसानों के लिए चंद लम्हात ऐसे रखे जब बगैर रुकावट के अल्लाह हर दुआ को सुन लेता है, कबूल कर देता है। उन रातों और लम्हात में से एक लम्हा वो है जब जमीन वासियों को आसमान पे रब्बुल अव्वल का चांद नजर आता है। याद रखना, इस महीने को अल्लाह ने अपने महबूब की आमद के लिए चुना। तभी जो इंसान रब्बुल अव्वल के चांद को देख के एक मर्तबा सूरह इखलास और एक मर्तबा सूरह कौसर पढ़कर जो भी दुआ मांगेगा, अल्लाह वो दुआ फौरन कबूल।